हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनटीसी इंग्लिश चैनल। दोस्तों, अक्सर मैं आपके कमेंट्स देखता हूं तो उसमें ज्यादातर लोग ये मुझे कहते हैं कि मैं कुछ एसएससी बैंकिंग जैसे एग्जाम्स की वोकैबुलरी भी करवाऊं। तो मैं आज आपको एक इडियम्स की ऐसी सीरीज लेकर के आया हूं जो आपके एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा, और इतना ही नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इडियम्स का पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड लेते हैं होम पोटैटो। वैसे तो पोटैटो मतलब आलू होता है, लेकिन यहां पर होम पोटैटो मतलब है गंभीर समस्या। तो चलिए इसका यूज करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा न्यूज में, और वो आजकल राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे इसका, देखें। CAA has become a political hot potato। एक बार फिर से देखिए, CAA has become a political hot potato। इसका एक यूज ये भी कर सकते हैं, जैसे कश्मीर is a hot potato between India and Pakistan। तो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं at a stone's throw, यानी अति निकट, जो बहुत ज्यादा पास हो। जैसे his home is at a stone's throw From my house, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि my school is at a stone's throw from my house। तो जो सेंटेंस है हमारा, उसका मतलब हुआ कि उसका घर मेरे घर से बहुत ही पास में है। या फिर जो दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि स्कूल मेरे घर के अति निकट है। नेक्स्ट है a narrow escape, यानी बाल बाल बचना। तो इसका हम यूज करेंगे सेंटेंस में कि हम अभी हाल ही में हुए कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गए, यानी कि अभी रिसेंट में कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें हम बाल बाल बच गए। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी हैड अ नैरो एस्केप इन द रिसेंट कार एक्सीडेंट। वी हैड अ नैरो एस्केप इन द रिसेंट कार एक्सीडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एट स्टेक, यानी खतरे में। दोस्तों, जिस तरह से इस समय हालात हो रहे हैं दंगों के, तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय हमारे देश की एकता खतरे में है, यानी कि यूनिटी ऑफ आवर कंट्री इज एट स्टेक। यूनिटी ऑफ आवर कंट्री इज एट स्टेक। तो नेक्स्ट में एक बहुत ही मजेदार वाक्य लेके आता हूं मैं, यानी कि बहुत ज्यादा मजेदार इडियम्स है। देखें, ये इडियम है अ व्हाइट एलिफेंट। अ व्हाइट एलिफेंट वैसे तो देखने में लग रहा है सफेद रंग का हाथी, पर इसका मतलब आता है खर्चीली वस्तु। जी हाँ, अब एक मिडिल क्लास फैमिली में एक कार रखना वाकई में एक व्हाइट एलिफेंट जैसा है। तो हम इसको सेंटेंस बनाते हैं, टू हैव अ कार फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली इज जस्ट लाइक अ व्हाइट एलिफेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेता हूं मैं। एक सीरीज के तहत मैं दो वर्ड आपको एक साथ दे देता हूं, जैसे पहला है अ मैन ऑफ लेटर और दूसरा है अ रेड लेटर डे। दोनों में लेटर आ रहा है लेकिन दोनों मतलब अलग है। अ मैन ऑफ लेटर मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, जैसे स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो इसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि हम अ मैन ऑफ लेटर का यूज करेंगे, तो हम इसका यूज करेंगे स्वामी विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ लेटर। और जो दूसरा वर्ड है अ रेड लेटर डे, यानी महत्वपूर्ण दिन। जैसे जब मुझे सबसे पहले स्कूल में प्राइज मिला वो मेरे लिए रेड लेटर डे था, यानी कि जब मैंने स्कूल में पहली बार प्राइज पाया तो वो मेरे लिए रेड लेटर डे था। तो ये क्या है, व्हेन आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन माय स्कूल दैट वाज माय रेड लेटर डे। इसी तरह का हम दूसरा वर्ड भी लेते हैं। आपका जो वर्ड है हमारा अ मैन ऑफ मेटल, यानी कि इसका मतलब हुआ बहादुर व्यक्ति, जैसे भगत सिंह। तो भगत सिंह वॉज अ मैन ऑफ मेटल। तो इसीलिए, क्योंकि भगत सिंह ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और वो बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। मैंने बचपन में सुना था कि खाई कसम उद्धम सिंह ने किस हत्या का बदला लूंगा, कौन सी हत्या, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उद्धम सिंह ने कसम खाई बदला लेने की। तो खाई कसम उद्धम सिंह ने किस हत्या का बदला लूंगा, मौका मिलते ही डायर को मौत के लिए सुला दूंगा।
20 साल के बाद आखिर उसका ठिकाना पा ही गया, 20 बरस के बाद ही सही गोली का निशाना बना ही गया। तो यानी उधम सिंह क्या थे, मैन ऑफ मेटल थे। तो उधम सिंह वॉज अ मैन ऑफ मेटल। मेरा एक मित्र है जो कि अपनी वाइफ की सारी बातें मानता है। मैंने मजाक मजाक में उसको बोल दिया कि यू आर ए हैंडपेक्ड हस्बैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इडियम को ध्यान से, अ हैंडपेक्ड हस्बैंड मतलब होता है जोरू का गुलाम पति। तो डोंट बी अ हैंडपेक्ड हस्बैंड, यानी कि जोरू गुलाम मत बनो, डोंट बी अ हैंडपेक्ड हस्बैंड। अगला इडियम है टू स्मेल अ रैट, यानी कि यहां पर इसका मतलब आता है खतरे की आशंका होना, यानी खतरा भावना। जैसे इसका यूज कर सकते हैं हम कि व्हेन पुलिस केम टू मी आई स्मेल्ड अ रैट, यानी कि जब पुलिस मेरे पास आई तो मुझे खतरे की आशंका हुई। हम सभी लोग सोच रहे हैं कि देश में एनआरसी और सीएए चल रहा है, लेकिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसमें कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी रिसेंट में उनका एक वीडियो आया है, तो लंबे टाइम के बाद मनमोहन सिंह ने इस पर चुप्पी तोड़ी। इसके लिए मैं एक वीडियो ले रहा हूं टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ब्रोक द आइस। तो लास्ट हमारा आज का वीडियो है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, यानी पलक झपकते, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। तो फ्रेंड्स, मेरे एक मित्र है जो कि बहुत जल्दी जल्दी अपने डिसीजन चेंज कर लेता है। तो वो पलक झपकते ही उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, यानी उसने पलक झपकते ही अपना निर्णय बदल लिया। तो इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे ही चेंज्ड हिज माइंड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ही चेंज्ड हिज माइंड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। दोस्तों, आपको और कौन सा ऐसा इडियम है जो परेशान करता है या आपको उसका मतलब समझ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, मैं उसका जवाब अगली वीडियो में जरूर दूंगा। वैसे तो मैं इस तरह के वीडियो और भी बनाता रहूंगा, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर अगर इडियम समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करें। साथ में मुझे यह भी बताएं कि आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा इडियम, सबसे अच्छा मुहावरा कौन सा लगा।